मेरी तरफ से फैक्टफुल टीवी में आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक कहराम मचा हुआ है। दुनिया के और पंजाब के एक बहुत ही मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सिद्धू मूसेवाला के कातिल का नाम और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की वजह जो के सामने आई है। सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाब के एक मशहूर गांव मूसेवाला से और मानसा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाला एक मशहूर पंजाबी गायक था जो पूरी दुनिया में पंजाबी जुबान को दिन ब दिन फरोग देता जा रहा था। सिद्धू मूसेवाला सियासत में कदम रखने लगा था। सिद्धू मूसेवाला के मौत का आयाम तब शुरू हुए जब सिद्धू मूसेवाला ने खुद को एक सियासी रहनुमा के तौर पर मुतारिफ करवाया। सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, दिन ब दिन तरक्की को देखते हुए बहुत सारे सियासी मुखालफिन को इस बात का खदशा हुआ कि अगर ये इंसान सियासत में आया तो ये इंसान कभी हार नहीं पाएगा, क्योंकि इस इंसान के गानों में एक एटीट्यूड था, गानों में एक ऐसा रक्स था कि जो इंसान इसके गानों को सुनता था उसे मोटिवेशन मिलती थी। तो इसकी इसी काबिलियत और क्वालिटीज़ को देखते हुए जो सियासी रहनुमा थे, जो मुखालफिन थे, उनको इस बात का खदशा हुआ। 3 दिन पहले इस इंसान को बेरहम तरीके से, बेधड़ तरीके से मारकर कत्ल कर दिया गया और 25 गोलियां इसको लगी, जिसमें इसका एक कजन और इसका एक दोस्त मुलव्वज़ था गाड़ी में। दोस्तों, बाद में इस बात की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, आखिर इस कत्ल की वजह क्या थी। तो इस बात को आपको फैक्टफुल टीवी लाया है आपके लिए एक फैक्ट के बाद। एक गोली ब्रार नामी शख्स जो कि कैनेडियन बेस्ड गैंगस्टर है, जो कि अपनी एक मुहिम चलाता है इंडिया में गैंगस्टिंग की और गैंगस्टर से रिलेट हर चीज की एक्टिविटी की, उसने इस बात का इंकशाफ किया है कि गोल्डी ब्रार ने इस बात को क्लियर किया है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे हम लोग हैं, सिद्धू मूसेवाला को हमने कत्ल किया है। और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की सबसे बड़ी वजह यह है कि सिद्धू मूसेवाला हमारे एक गैंगस्टर आदमी और हमारे एक भाई के कत्ल में मुलव्वज था, और बहुत बार हमने इसको ट्रैप करने की कोशिश की लेकिन ये अपनी पावर की बिना पे बच गया। लेकिन 3 दिन पहले हमें मौका गनीमत मिला और हमने अपने शदीद गम और गुस्सा का इजहार इस बदले में दिया। लेकिन जाते जाते आपको इस बात का ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने गानों से पंजाब के कल्चर को एक नया रंग दिया था। ये एक ऐसा सिंगर था जिसने पंजाबी गानों को इंटरनेशनल लेवल पे, बैन अल-अक़वामी लेवल पे पूरी दुनिया को पंजाबी जबान सीखने और पंजाबी जबान को समझने पर मुतासर किया था। अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं तो हमारे इस चैनल फैक्टफुल टीवी को सब्सक्राइब कर लें हमारी नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोज़ के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।